चलिए बच्चों, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन दे रखा बच्चों, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसमें पूछा जा रहा है, बताइए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आप अगर ये देखें रिएक्शन, तो आप इसको बोलते हैं बच्चों हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, है ना। ये क्या होता है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन होता है, ठीक है। तो अब देखिए हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन किया हुआ है, इस रिएक्शन के बारे में आपसे कुछ जानना चाह रहा है। ये देखिए कहता है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया बच्चों कि Br2 एडिशन जो होता है वो एंटी होता है। ये तो हम लोग जानते ही हैं Br2 एडिशन एंटी होता है। क्यों एंटी हम लोग जानते हैं ऐसा बच्चों, क्योंकि आपको मालूम है कि इस ब्रोमीन के पास, ठीक है, इस ब्रोमीन में वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हुआ, जिसकी वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इसका इलेक्ट्रॉन देता है, जिसकी वजह से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ से, वो यहाँ से इसको ब्रेक कर देता है, मतलब इससे दूर होगा। रिपल्सन की वजह से ये Br- उससे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो इसमें तो हम लोग ये देख सकते हैं बच्चों कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जाता है, जिसकी वजह से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्पर्स हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहले ऐसे बना था, अगर मैं यहाँ पे इसकी बनाने की कोशिश करूँ बच्चों, तो ये पहले देखिए ऐसे होगा, ठीक है। ये Br है, ठीक। यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में जाएगा, जिसकी वजह से ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये बच्चों पहले ये इस टाइप से बनेगा, किस टाइप से बनेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा बच्चों और यहाँ पी आ जाएगा Br, ठीक है। अब देखिए इस, चूंकि इस Br के पास लोन पेयर होते हैं, इसीलिए ये अपने कार्बोकेटायन को क्या करते हैं बच्चों, स्टेबलाइज करते हैं लोन पेयर से, जिसकी वजह से आपको ये एक ब्रिज बनता हुआ दिखता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको एक ब्रिज बनता हुआ दिखता है। अब ये ब्रिज ऊपर से भी बन सकता है, नीचे से भी बन सकता है। ये ब्रिज यहाँ पे नीचे से बनाया हुआ है, चूँकि ये डबल बॉन्ड बच्चों क्या होता है, प्लेनर होता है, इसीलिए ये Br2 का अप्रोच इसके अपर साइड से भी हो सकता था, इसके लोअर साइड से भी हो सकता था, इसलिए ये यहाँ पे साइक्लिक 3 मेंबर रिंग का एक हेलोजिनेशन का ब्रोमिनियम आयन, इसको आप कह सकते हैं ब्रोमिनियम आयन का ये 3 मेंबर रिंग बन गया, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये जो बचा हुआ Br- है, ठीक है, तो चूंकि अब ये साइड ब्लॉक हो चुका है, इसलिए इस कार्बन पे या इस कार्बन पर ये अब अपर साइड से अटैक करेगा। अब देखिए अगर ये यहाँ अटैक करता तो ये रिंग इधर से खुल के एंटी लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बनाया हुआ नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना होगा कि ये एडिशन जो होता है बच्चों हमेशा एंटी एडिशन ही होगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ केस में ये सिन एडिशन भी होता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग इसको एंटी एडिशन ही लेके चलते हैं, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट इसका एंटी एडिशन से ही बनता है। तो आपको यहाँ पे वही बात बोला थी, ये तो बात बच्चों सही हो गया। दूसरा कहता क्या, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो इनेंसियोमर बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा मिक्सचर ऑफ इनेंसियोमर बनेगा। तो ये भी बच्चों बात सही है। क्यों बात सही है, देखिए ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एक बार अपर से भी बन सकता है, एक बार लोअर से भी बन सकता है। और जब अपर से बनेगा बच्चों, तो यहाँ पे लोअर से अटैक होगा Br- का, और लोअर से अगर बना हुआ तो इसका अपर से अटैक होगा। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाला और ये वाला कंपाउंड जो प्रोडक्ट बनेगा, उसमें से ये वाला कार्बन जो होगा बच्चों वो कायरल हो जाएगा। और आपको मालूम है कि अगर एक कार्बन कायरल है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ठीक है। इसीलिए ये हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये इनेंसियोमेरिक पेयर भी बनाएंगे। तो ये बात भी सही हो गया। कहता है स्टेप टू में, देखिए स्टेप टू में यहाँ से यहाँ तक कहता कि ये जो Br- आयन है वो एक लुईस बेस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है बच्चों, लुईस बेस की तरह काम करता है। तो लुईस बेस का मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो डोनेट कर ही रहा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो तो लुईस बेस होगा, ठीक है। तो ये बात भी तो एक तरह से मान सकते हैं सही हो रहा। अब यहाँ पे देखिए कहता
स्टेप वन में Br2 मॉलिक्यूल जो है वो लुईस बेस की तरह काम करा, जबकि यहाँ पे आप देखें क्या हुआ, ये लुईस बेस की तरह काम करा, यहाँ पे एल्कीन लुईस बेस की तरह काम करा, ये जो Br2 है ये तो लुईस एसिड की तरह काम करा, क्योंकि ये उसको उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा, तो एक्सेप्टर जो होगा बच्चों वो लुईस एसिड होगा। तो इसलिए आप अगर यहाँ यहाँ देखें तो ये कह सकते हैं कि ये जो एल्कीन है वो लुईस बेस की तरह काम कर रहा और ये लुईस एसिड की तरह काम कर रहा, तो यहाँ पे ये बात गलत हो गया, इसको लिखना था लुईस एसिड लेकिन ये बोला लुईस बेस, तो बच्चों ये वाला बात क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर तो आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। अब आइए बच्चों ये 69 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत अच्छा है, इस तरह का कंसेप्ट बहुत जेई में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अब देखिए क्या किया गया, बेसिक से हम लोग इसको डील करते हैं। देखिए यहाँ पे कंपाउंड दिया, इस कंपाउंड का रिएक्शन किससे कराया जा रहा है बच्चों, डाइल्यूट OH- से कराया जा रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए डाइल्यूट OH- का मतलब बच्चों सीधा सीधा होता है न्यूक्लियोफाइल से, डाइल्यूट OH- का मतलब किससे होता है, सीधा सीधा न्यूक्लियोफाइल से होता है। तो एक तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या कि हमारे रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल है, और रिएक्टेंट में अगर आप देखें तो आपको Br- नज़र आ, मतलब ये लिविंग ग्रुप है। तो कभी भी बच्चों आपको रिएक्शन के अंदर, कभी भी रिएक्टेंट के अंदर लिविंग ग्रुप दिख जाए और वहाँ पे अगर आपको कोई न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने का चांसेस बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो देखने से यही कंडीशन लग रहा है यहाँ पे कि ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना चाहिए और होगा भी। लेकिन जब भी आपको कहीं पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना हो तो आप हमेशा दो चीज़ पे बातें को ध्यान रखेंगे, दो बातों को क्या करेंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे। वो दो बात क्या होता है कि हर हमेशा आपको ये पहले चेक करना है कि कहीं उस मॉलिक्यूल के अंदर ही तो कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं बैठा हुआ, क्योंकि अगर कोई अंदर न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ होगा तो वो फास्टर अटैक करता है एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल्स। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इंट्रा मॉलिकुलर अटैक इज फास्टर देन इंटर मॉलिकुलर अटैक। तो ये बच्चों पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप हर जगह ध्यान रखें कि कहीं भी आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना हो तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कहीं मॉलिक्यूल के अंदर ही तो कोई न्यूक्लियोफिलिक एटम नहीं है। अब मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफिलिक एटम है या नहीं है, इसे हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो इसे पहचानने के लिए आपको फोकस करना है कि कहीं कोई ऐसा एटम तो नहीं है जिसके पास लोन पेयर है, जिसके पास निगेटिव चार्ज डेंसिटी है। तो आप अगर गौर से देखिए तो एक OH- न्यूक्लियोफाइल है, बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल है मीडियम में, लेकिन दूसरा हम लोग देख रहे हैं क्या कि इस पूरे कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन एटम है और नाइट्रोजन एटम के पास क्या बच्चों, लोन पेयर है। तो ऑब्वियस है ये नाइट्रोजन इस सेंटर तक जल्दी अप्रोच बना पाएगा अदर देन OH। तो इसीलिए बच्चों यहाँ से अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे यही समझना चाहिए था कि ये यहाँ पे इंटर मॉलिकुलर अटैक ना होकर के इंट्रा मॉलिकुलर अटैक होगा। अब देखिए चूंकि ये है हमारा sp3 कार्बन, तो इसलिए हम इसको आराम से ऐसे करके लिख सकते हैं, ये यहाँ पे CH2 हो गया और यहाँ से आप क्या जोड़ सकते हैं इसको बच्चों, NH2 को जोड़ दीजिए, यहाँ पे ये NH2 है। ठीक है, अब देखिए ये जो NH2 है वो यहाँ पे आराम से अटैक कर सकता है। अब जैसे ये अटैक करेगा तो ये लिविंग ग्रुप तो यहाँ से हट जाएगा, तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा इसका प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे और से, तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट मिलने वाला है कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए यहाँ से ये N आ जाएगा, ये H2 हो जाएगा और यहीं से एक क्या जुड़ा हुआ बच्चों, CH2 जुड़ा हुआ, ये क्या जुड़ा हुआ यहाँ से CH2 जुड़ा हुआ। ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा करेक्शन है, CH2 को जोड़ना होगा ना। ठीक है, ये देखिए ऐसा हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये तो NH हो गया और यहाँ से आपको एक CH2 लेके इसको ऐसे जोड़ देना। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया इसलिए इसके ऊपर आएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज को क्या कर सकता बच्चों, हटा सकता। अब ध्यान से देखें, इसका मैं सॉल्यूशन इधर करता हूँ,
तो अब ये देखिए प्रोडक्ट आपको कैसा बनता हुआ दिख रहा है, आप ध्यान से बस देखते रहें, इस तरीके से आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो NH हो गया और इसमें से फिर से एक CH2 हम लोग यहाँ से जोड़ सकते हैं। ठीक है, आपका प्रोडक्ट ऐसा बना। ये प्रोडक्ट जो होगा बच्चों वो A होगा, ये प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, A होगा। अब अगर गौर से देखिए तो यहाँ पे फिर से CH3IHCH दिया हुआ, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये नाइट्रोजन है। इसको बच्चों आप बोलते थे ये कौन सा रिएक्शन ये होता था बच्चों, मिथाइल एग्जॉस्टिव। अगर आपको याद हो इसको हम लोग क्या बोलते थे, मिथाइलेशन बोल सकते हैं या मिथाइल एग्जॉस्टिव रिएक्शन नाम इसका दिया जाता है। तो ये देखिए चूंकि ये प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, मतलब मिथाइल है, इसलिए ये यहाँ से लोन पेयर क्या कर सकता है, इसके ऊपर अटैक करेगा वापस और ये यहाँ से हटा देगा। तो फिर यहाँ पे देखिए वापस आपको क्या देख रहा है, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ से और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ सब देखिए क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, थोड़ा अच्छा सवाल है ये। तो ये देखिए ऐसा आ गया और इसके ऊपर एक मिथाइल ज़रूर आ जाएंगे और फिर इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। एक एक स्टेप में बच्चों आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा पेशेंसफुली इसको देखें, समझने की कोशिश करें। मैं कोई स्टेप स्किप नहीं करना चाह रहा हूँ इस तरह के सवालों को। यहाँ ध्यान से देखें, थोड़ा सा ये खींचने में गड़बड़ हो जा रहा है, यहाँ मिथाइल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ा सा बेंड करके ऐसे करके लगाया करें ताकि पता चले कि मिथाइल ग्रुप आ रहा है, रिंग थोड़ा छोटा बन जा रहा है। अब देखिए जैसे ये होगा तो अगेन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये मिथाइल फिर से हाइड्रोजन हटाएगा, फिर से एक लोन पेयर आ जाएगा और फिर से यहाँ पे आपको ऐसा बन जाएगा, ये देखिए ऐसा बन जाएगा। अब फिर से इसके पास लोन पेयर आ गया और चूंकि ये मिथाइल हैलाइड या आयोडाइड जो एक्सेस है तो फिर से ये मिथाइल के साथ रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक लोन पेयर अगर यहाँ अटैक करेगा तो ये फिर से ऐसा हो जाएगा। और अब गौर से देखिएगा, अगर इस बार मैं थोड़ा बड़ा रिंग बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये देखिए कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब देखिए गौर से, यहाँ पे ये एन हो गया, इसके ऊपर बच्चों दो मिथाइल लग चुका और एक ऐसे करके यहाँ पे अब ये प्लस हो चुका है, ये क्या हो चुका बच्चों, प्लस हो चुका। अब ये देखिए बन गया टर्सरी एमाइन, क्या ये सॉरी क्वार्टरनरी एमाइन, क्या बन गया बच्चों, क्वार्टरनरी एमाइन। और यहीं पे प्लस के साथ आई माइनस अब चाहे तो लगा सकते हैं। ये देखिए अब क्वार्टरनरी एमाइन साल्ट हो गया और आपको पता होगा क्वार्टरनरी एमाइन साल्ट को अगर आप बेस के साथ रिएक्शन करवा दें, अब बेस आया कहाँ से भाई, देखिए यहाँ पर लिखा है मॉइस्ट Ag2O, तो मॉइस्ट Ag2O का मतलब होता है मॉइस्चर के साथ Ag2O है, तो मेटल ऑक्साइड जो बच्चों वो तुरंत किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो मॉइस्ट Ag2O जो है वो बन जाएगा AgOH और ये बच्चों हैं बेस। और बेस के साथ आप अगर कभी भी टर्स क्वार्टेनरी अमाइन को अगर आप रिएक्शन करवाते हैं, हीट करते हैं इसको, ठीक है, तो ये होता था आपको हॉफमैन इलिमिनेशन। अगर आपको याद हो चार सबस्ट्रेट के साथ क्या होता था बच्चों, हॉफमैन इलिमिनेशन होता था। तो ये जो हॉफमैन इलिमिनेशन करने का तरीका है उसमें क्या बताया गया था, अब ध्यान से देखिए, आपको कभी भी अगर हॉफमैन इलिमिनेशन करना हो इस तरीके के रिएक्टेंट के साथ, मतलब चार्ज्ड लिविंग ग्रुप के साथ, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, उस पूरे चार्ज्ड ग्रुप को घेर लेंगे। ठीक है, पूरे चार्ज ग्रुप को क्या करना है, आपको घेर लेना, एक्चुअली एन प्लस को घेरना था। ये सर्कल थोड़ा आपको बड़ा बनता हुआ दिख गया है, ये एक्चुअली आप क्या करें, एन प्लस को सिर्फ घेर लें। और एन प्लस से जो भी कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है वो क्या होता है बच्चों, अल्फा कार्बन होता है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको और सही से करने की कोशिश करता हूँ, एन प्लस को ही घेरना था, ये पूरा का पूरा किसको घेरना था बच्चों, सिर्फ एन प्लस को घेरना था। ठीक है, तो एन प्लस को आप घेर लें, क्योंकि इसमें आप बहुत बार गलती करते हैं, इसलिए हम आपको इसका तरीका बता रहे हैं कि कैसे इसको लगाना है। ठीक है, ये इसके ऊपर प्लस चार्ज था, ठीक, एन प्लस को आप पूरा घेर लें, एन प्लस ही हमारा लिविंग पार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए एन प्लस के लिए, तो एन से जो भी डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ उसको हम मार करें अल्फा कार्बन, देख लीजिए चार सारा कार्बन अल्फा, यहाँ पे बच्चों ये एक अल्फा कार्बन होगा चूँकि ये बेंडिंग था, आपको याद होगा शुरू से ये गड़बड़ खिंचा रहा, बार बार खींचने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि रिंग छोटा बन जा रहा। आप इसको ऐसे लें और ऐसे करें, ठीक है, अब देखिए ये कार्बन भी अल्फा है, ये कार्बन भी क्या बच्चों, अल्फा है।
तो आप नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में सारे अल्फा कार्बन को क्या करेंगे बच्चों, मार्क कर लेंगे। अब जब अल्फा कार्बन मार्क हो जाएगा तो अल्फा के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों, बीटा। तो इसके बगल में देखिए ये बीटा है, इसके बगल में देखिए ये बीटा है, इसके बगल में देखिए ये बीटा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है और वही हाइड्रोजन उसी सेंटर पे बगल वाले पे अटैक कर देगा। अब कौन से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटाना है, तो इसके लिए आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि आपको उस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटाना है जहाँ पे बनने वाला माइनस चार्ज, बनने वाला एनायन मोर स्टेबल होना चाहिए। बनने वाला एनायन क्या होना चाहिए बच्चों, मोर स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये चार सबस्टेट है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है, इसीलिए इसके ट्रांजिशन स्टेट में नेगेटिव का कैरेक्टर आएगा बीटा कार्बन पे, ठीक है। तो नेगेटिव स्टेबलाइज होना चाहिए। अब देखिए एक नेगेटिव यहाँ बनाते हैं आप, एक नेगेटिव यहाँ बनाते हैं, एक नेगेटिव यहाँ बनाते हैं, तो अगर आप गौर से देखिए तो ये वाला और ये वाला बीटा पोजिशन दोनों एक ही जैसा है और ये वाला अलग है। तो यहाँ माइनस बनाए और यहाँ माइनस बनाए तो आपको पता चल रहा होगा कि ये वाला माइनस जो होगा बच्चों थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तरह से 3 डिग्री बन जा रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा। तो ये वाला बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन हटाना है। तब सोचिए अगर यहाँ हाइड्रोजन हटाएंगे तो माइनस बने और यही माइनस जो है इसके ऊपर अटैक करेगा और ये यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा। तो देखिए पूरा जो पार्ट है वो वहाँ से टूट के वापस फिर से इधर आ जाएगा, वापस टूट के इधर आ जाएगा जैसे शुरू में था, जैसे देखिए शुरू में था। तो यहाँ से अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए बस फाइनल हो गया, अब लास्ट हो गया। अब ध्यान से देखें, शायद आप इसको समझ पाए होंगे। यहाँ हो गया, अब देखिए यहाँ जब अटैक करेगा तो यहाँ तो डबल बोन आएगा, तो आप पहले यहाँ पे डबल बोन बना दें, ठीक है। अब ये पूरा चीज़ यहाँ से ब्रेक हो गया, ये आप बॉन्ड को ऐसे करके इधर ला सकते हैं, ये जैसे हम यहाँ पर दिखाएँ तो ऐसे ले आएँ, तो ये पूरा पूरा इधर आके लटक जाएगा एक तरह से कहिए तो। तो ये यहाँ आ गया, ऐसे CH2 बना दिए, यहाँ से हम लोग क्या कर दिए बच्चों, N। अब देखिए बस दो हाइड्रोजन हट कर इसके ऊपर क्या आ चुका है, मिथाइल आ चुका है, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फाइनल जाने में चेंजिंग क्या हुआ, ये Br हट के यहाँ पे डबल बोन आया और ये दोनों नाइट्रोजन हट के क्या आ चुका है बच्चों, यहाँ पे दो मिथाइल आ चुका है। तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो हमारे लिए ये आंसर यहाँ पे सी दिख रहा है, देख लिए CH2 और N के ऊपर दो माइनस। ये बहुत बढ़िया सवाल है, इस तरह के सवाल एडवांस में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए इन सवालों के ऊपर आप प्रैक्टिस किया करें।